हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आप लोग कभी ना कभी अस्पताल तो गए होंगे अपनी ब्लड ग्रुप की जांच कराने के लिए, या बहुत से स्टूडेंट्स हैं जब उनकी जॉब लग जाती है या फिर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तब वो मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं जहाँ उनका ब्लड ग्रुप टेस्ट कराया जाता है। तो वहाँ उनका थोड़ा सा खून निकाल लिया जाता है और खून निकाल के कुछ ही मिनटों में ये बता दिया जाता है कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है। अब इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, बहुत बड़ी टेस्टिंग नहीं है, बहुत बड़ा डिवाइस या मशीन का इस्तेमाल नहीं है आपका ब्लड ग्रुप बताने के लिए। वो लोग थोड़ा सा प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी साइंस है जिसको देखकर ये बता देते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अब बहुत से लोग तो ऐसे होंगे कि वो सुई लगने के डर से नहीं जाते होंगे अस्पताल और उनको ये भी ना पता होगा कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है, लेकिन उनको कभी ना कभी ब्लड ग्रुप की जांच करानी पड़ती है। कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि कभी ना कभी उनको ब्लड ग्रुप की जांच करानी पड़ती है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे क्या देखकर लोग आपका ब्लड ग्रुप बता देते हैं। जब आप अस्पताल जाते हैं तो वो लोग जो आपका ब्लड ग्रुप की जाँच करते हैं वो क्या चीज़ देख कर बता देते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मनुष्य में चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। एक हो गया ए ब्लड ग्रुप, दूसरा हो गया बी ब्लड ग्रुप, तीसरा हो गया ए बी दोनों ब्लड ग्रुप और चौथा हो गया ओ ब्लड ग्रुप। अब इन चारों ब्लड ग्रुप में से कोई एक ब्लड ग्रुप आपका होगा और ये कैसे पता किया जाता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। जब आप अस्पताल जाते हैं ब्लड ग्रुप की जाँच कराने के लिए तो क्या होता है कि वहाँ जो आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट करता है वो एक विसंक्रमित सुई स्टेरिलाइज निडल को आपके उंगली पर चुभोता है और जब वो चुभोता है तो आपके उंगली से खून निकलता है। उस खून की एक बूंद को लेकर वो ग्लास स्लाइड पर रख देता है। मान लीजिए ये एक ग्लास स्लाइड है, ये एक ग्लास स्लाइड है, उसके एक कॉर्नर पे ए सीरम को ए सीरम ब्लड रखता है, दूसरे कॉर्नर पे बी सीरम के ब्लड को रखता है और आपका जो खून उसने सुई से चुभो कर निकाला है उस एक बूंद को इसके बीच में रख देता है। अब क्या करता है, थोड़ा सा खून लेकर ए सीरम ब्लड ग्रुप में डालता है और दूसरा बी सीरम में डालता है, तो इन दोनों में आपके ब्लड को वो मिलाता है धीरे धीरे। अगर आपका ब्लड इन दोनों सीरम में फट जाता है, अगर आपका ब्लड इन दोनों सीरम में फट जाता है तो आपका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, यानी ए और बी दोनों। अगर आपका इन दोनों सीरम में ब्लड ग्रुप नहीं फटता है तो आपका ब्लड ग्रुप हो गया ओ। अगर आपका जो ब्लड है वो ए सीरम में फटता है और बी सीरम में नहीं फटता है तो आपका ब्लड ग्रुप हो गया ए। अगर आपका ब्लड बी सीरम में फटता है और ए सीरम में नहीं फटता तो आपका ब्लड हो गया बी। तो इस तरह से आपका ब्लड ग्रुप की जांच होती है और आपका ब्लड ग्रुप बता दिया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वो ब्लड ग्रुप की जांच करते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी बहुत बड़ी परेशानी की दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा प्रोसेस है, आपको एक दो दिन लग जाएगा पता करने के लिए, नहीं। ये सब चीज़ देखकर वो तुरंत बता देते हैं आपका ब्लड ग्रुप क्या है। क्योंकि मैं भी एक जगह गया था, वहाँ कंपाउंडर ही था वो, उसने क्या किया तुरंत स्विच बोया और वो ग्लास लाइट वगैरह के पता नहीं क्या उसने देखा। उस समय तो मुझे नहीं पता था इतना, लेकिन जब उसने देखा और तुरंत उसने बता दिया कि आपका ब्लड ग्रुप ये है। तो इस तरह से भी ब्लड ग्रुप की जांच होती है अस्पताल में कि आपको तुरंत बता दिया जाता है, तो इस तरह से ब्लड ग्रुप देखा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यही थी आज की जानकारी। ऐसी बहुत सी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube वीडियोस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।